आज का जो क्वेश्चन है डिसॉल्यूशन का आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड पेज नंबर 238 डिसॉल्यूशन चैप्टर नंबर 6। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं जिसमें सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, जिसमें सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस क्या क्या दिया है वो फटाफट चेक करते हैं। राणे का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है 10,000, तो राणे का 10,000 ओपनिंग बैलेंस लिख लिया जाए। उसके बाद काने का आपको दिया है 6,000 काने का भी लिख दिया। और माने का जो दिया है वो डेबिट साइड में दिया है, मतलब एसेट साइड में दिया है। एसेट साइड में दिया होगा तो ऑफकोर्स आपको डेबिट साइड में लिखना होगा। और कितना आपको दिया है 20,000, तो माने का 20,000 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके लिख लेना है आपको, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो ये तो हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। अब कैश का भी ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। कैश का कितना दिया है 2,000, तो कैश का बैलेंस भी 2,000 लिख लो। कैश का बैलेंस 2,000। अच्छा, हमें क्रेडिटर बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो लायबिलिटी चुकाएगा कौन? कोई नहीं चुका सकता लायबिलिटी। ऐसे कंडीशन में हमें क्रेडिटर अलग से बनाना पड़ेगा, या फिर इसके अलावा कोई और लायबिलिटी अगर होगी तो उसका भी अकाउंट हमें ड्रॉ करना पड़ता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट अलग से बनाया हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन में जिसमें सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं उसमें डेफिशिएंसी अकाउंट भी आपको एक बनाना होगा, और लास्ट में, सबसे लास्ट में यही टैली होगा। ये चीज़ें हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसा करना होगा, ठीक है। तो अब चलो सबसे पहले क्रेडिटर का भी बैलेंस लिख लेते हैं, और जिन जिन का बैलेंस हम लोग लिख रहे हैं उसको यहाँ पे रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो क्रेडिटर का बैलेंस आपको दिया है 80,000, तो 80,000 लिख लो, 80,000 लिख लिया, ठीक है। तो अब हमने लगभग सभी लेजर के ओपनिंग बैलेंस लिख लिए हैं। रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे ये कैश अकाउंट है, और क्रेडिटर अकाउंट और डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है, वो तो बाद में हम लोग जब ट्रांसफर करते तब आपको वो टैली करना पड़ता है। अब क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट, आ जाओ क्वेश्चन में, आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर टू, पेज नंबर 238, उसमें क्या दिया है एग्जैक्टली? तीन पार्टनर हैं और तीनों का बैलेंस शीट आपको दिया है, और ओपनिंग बैलेंस हम लिख चुके हैं, कहीं भी जनरल रिजर्व वगैरह आपको नहीं दिया है, मेंशन नहीं किया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमारा जो पहला स्टेप होता है, जितने भी एसेट हैं ट्रांसफ़र करते हैं। एसेट में देखो वहाँ पे क्या क्या दिया है, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, ये तीन एसेट आपको दिए हैं। तो ये तीनों एसेट ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। तो तीनों एसेट इसमें ट्रांसफ़र कर लो। क्या क्या है? फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर लिख लेना, कितना है 6,000 रुपीज़ फर्नीचर। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स कितना है 40,000 रुपीज़। उसके बाद आता है स्टॉक, स्टॉक कितना आ जाएगा 48,000 रुपीज़। तो इस तरह से आपने सारे एसेट ट्रांसफ़र कर लिए। कैश आपका अलग से लेजर है, उसको नहीं लिखना है, कैपिटल भी अलग से है, उसको भी नहीं लिखना है। और एक चीज़, ऐसे क्वेश्चन में लायबिलिटी हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो लायबिलिटी कभी भी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपको पहले से पता है। तो इसका आप लोग टोटल कर लोगे, इसका टोटल कितना आता है चेक कर लो, 94 आ रहा है, ओके 94 इसका टोटल आ रहा है, तो 94 हमने टोटल लिख दिया। अब आगे की बात करते हैं, आगे आपको बैलेंस शीट देखो, अभी हमने पूरा यूज़ कर लिया। जब सब पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो क्वेश्चन को वैसे ही शुरुआत करनी है जैसे हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। बस इसमें एक छोटा सा क्या फ़र्क था कि लायबिलिटी का अकाउंट आपको अलग से बनाना पड़ता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, जो नॉर्मल क्वेश्चन में आपके नहीं बनते। अब नीचे बैलेंस शीट के नीचे देखते हैं क्या दिया है। ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स द फॉर्म इज डिसॉल्व एंड काने एंड माने कैन नॉट पे एनीथिंग। मतलब क्रेडिटर का पैसा चुकाने लायक अब फॉर्म बची नहीं है, इसलिए फॉर्म को इन्होंने डिसॉल्व किया, और काने और माने की तरफ से कुछ भी पैसा रिलाइज नहीं हो रहा है। मतलब उसके पूरे एसेट बिक गए, पूरे एसेट सेल आउट होने के बाद भी उनसे कुछ भी पैसा हमें रिसीव नहीं हो रहा है, ये लिखा हुआ है। एंड राणे कैन कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 3,000 फ्रॉम प्राइवेट स्टेट। प्राइवेट स्टेट मतलब क्या होता है, उसके पूरे प्रॉपर्टी, बिजनेस के अलावा जो घर की प्रॉपर्टी होती है वो भी सेल आउट किया, और उसके बाद सिर्फ 3,000 रुपये राणे की तरफ से मिल रहा है, बाकी सब कंगाल हो चुके हैं,
बाकी सब कंगाल हो चुके हैं, उनके पास फूटी कौड़ी नहीं बची है, रोड पर आ चुके हैं, इसका मतलब बोल सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में उनसे कुछ भी पैसा वसूला जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि कोर्ट उनको घोषित करती है, वो अपने आप से हाथ खड़े नहीं कर देते कि हम भाई इंस्टॉलमेंट हो गए, हमसे कुछ मत मांगो। ऐसा कभी नहीं होगा कि खुद से आप बोल सकते हो कि हमारे पास कुछ नहीं है। जब तक कोर्ट उसको एनालिसिस ना कर दे, ऑफिसर आकर एनालिसिस ना कर दे, तब तक इंस्टॉलमेंट घोषित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इनको घोषित किसने किया होगा? कोर्ट ने। और राणे भी हो चुका है, तीनों हो चुके हैं। राणे से सिर्फ 3,000 रुपए रिकवर हुए हैं। तो जो 3,000 राणे से रिकवर हुए, उसके प्राइवेट स्टेट से, उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राणे कैपिटल अकाउंट। 3,000 रिसीव हो रहे राणे से, उसकी एंट्री हम बात कर रहे हैं। तो क्या होगी एंट्री? बैंक में डेबिट करोगे राणे कैपिटल के नाम से, और कितना? 3,000 रुपीज। और राणे कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा क्या नाम से? कैश नाम से। कैश नाम से 3,000 रुपीज। मतलब तीनों में से सिर्फ एक पार्टनर के प्राइवेट स्टेट से कुछ पैसा रियलाइज हुआ, उसको हमने लिख लिया, उसको लिख लिया। अगर यहाँ लिखा जाता कि भाई तीनों से कुछ नहीं मिला, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे दोनों से कुछ नहीं मिला तो उसका कोई एंट्री नहीं किया, तो फिर राणे से मिल रहा तो राणे की एंट्री हमने पास कर ली। अच्छा, आगे क्या दिया देखो। स्टॉक रियलाइज 30,000, डेटर्स रियलाइज 32, फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 2,000 रुपीज। मतलब कुछ एसेट आपने बेचे। बिजनेस डिसॉल्व होना मतलब बिजनेस बंद करना है। बिजनेस बंद करना तो एसेट रख के भी क्या करोगे? और वैसे भी सब दिवालिया हो गए, तो ऑफिसर, जो ऑफिसर्स आते हैं ना, कौन से ऑफिसर्स? कोर्ट के जो ऑफिसर्स आते हैं, वो आपके प्रोडक्ट, मतलब जो गुड्स हैं, एसेट हैं, उनकी नीलामी वो लोग करते हैं, आप खुद नहीं करते हो। तो यहाँ पे ऑफिसर्स ने आपके पूरे एसेट बेचे, पैसा आया, पैसा आने की एंट्री हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, नॉर्मल जैसी एंट्री होती है, कैश में आने की एंट्री वही कर रहे हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो क्या क्या एसेट बेचा है देखो। स्टॉक आपका बिका है, डेटर्स है और फर्नीचर है। चलो तीनों के नाम लिख लेते हैं। कैश में डेबिट करेंगे क्या नाम से? रियलाइजेशन नाम से। और आपके पास स्टॉक, डेटर्स और क्या था? फर्नीचर। ये तीन चीज आपने सेल आउट की है और पैसा आया है। स्टॉक का पैसा कितना आया? 30,000। स्टॉक का आपको 30,000 रियलाइज हुआ। डेटर्स का पैसा आपके पास कितना रियलाइज हुआ? 32,000। फर्नीचर का आपके पास रियलाइज हुआ है 2,000। तो टोटल मिलाकर कितना होता है चेक कर लो। टोटल मिलाकर कितने पैसे आपके पास आए? बस इसकी टोटल आपको यहां लिखनी है। दूसरा इंपैक्ट आपको रियलाइजेशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो टोटल मिलाकर आ रहा है 64,000 आपको रियलाइज हुआ है। एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। क्या बोला जा रहा है? कैश अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। क्या नाम से? कैश के नाम से। और ब्रैकेट में लिख दो एसेट रियलाइज। पूरे एसेट की लिस्ट लिखने के बदले एसेट रियलाइज लिख दिया तो भी चलेगा, या फिर ये पूरी लिस्ट यहां पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरी लिस्ट वहां पे लिखी जा सकती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये हो गया देखो। अब तो आपके पास एसेट भी आपके पास से बिक चुके हैं, पैसे आए, हमने ट्रांसफर कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और लास्ट पॉइंट देखो क्या कहा जा रहा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 रुपए फॉर्म का जो पैसा आया था उससे पे किया गया है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री एक ही होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन में डेबिट करोगे क्या नाम से? कैश नाम से। कितना? 6,000। और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो एक्सपेंसेस। और दूसरा इंपैक्ट इसका कहाँ जाएगा? कैश में क्रेडिट साइड। कैश में क्रेडिट साइड क्या नाम से? रियलाइजेशन नाम से। और कितना? 6,000 रुपीज। तो ये देखो, ये भी पैसा हमने पे कर दिया। तो इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं वैसा ही इसको भी करना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है? तो अब देखो, यहां तक तो हमने नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया ना, एसेट बिका, पैसा आया, उसकी एंट्री कर दी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो एसेट ट्रांसफर करने थे वो कर दिया। हाँ, लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं करते ऐसे क्वेश्चन में, आपको याद रखना है, ठीक है? अब आपके पास देखो, क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा है, सारा एडजस्टमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हमें एक एक अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। जब हम पार्टनर्स में आते हैं तब इसका जो बैलेंस होता है डेफिशिएंसी में जाता है, और फिर हम चेक करते हैं कितना पैसा बचा है, उसके हिसाब से हम लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या क्लोज करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले आपको क्लोज करना है। अब उसमें कुछ बचा हुआ नहीं है, तो चेक करो कौन से साइड बड़ी आती है। यही साइड बड़ी दिख रही है, यही साइड बड़ी दिख रही है। 94 + 6 कितना होगा? 1,00,000 रुपीज। तो आपके पास बड़ी अमाउंट आ रही है 1,00,000 रुपीज। 1,00,000 रुपीज में से 64 माइनस कर लो,
वन लाख रुपीज में से 64 माइनस किया तो कितना बैलेंस आया 36। ये जो 36 आता है ये तीनों के रेशियो में, रेशियो कुछ दिया था क्या? नहीं दिया था। जब रेशियो ना हो तो क्या मानना है कि सारे पार्टनर इक्वल हैं, सारे पार्टनर इक्वल माने जाएंगे। तो भाई तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये लॉसेस है, ये लॉसेस तीनों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 36 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो कितना आएगा 12,000। ये 12,000 एक एक को दे देंगे, 12,000 एक एक सिंगल पार्टनर को मिल जाएगा। तो तीनों को दे दो भाई, तीनों को दे दो 12,000 रुपए। तो भाई पार्टनरशिप फर्म में जब भी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उनके रेशियो में बढ़ता है, और रेशियो अगर ना दिया हो तो आपको इक्वल रेशियो लेना पड़ता है, ये आपको पता है एग्जैक्टली। चलो तो ये आ गया हमारे पास, रेशियो में बांट लिया। अब इसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो रियलाइजेशन में क्रेडिट तो हो चुका है, पार्टनर में डेबिट करना बचा है, वो कर लेते हैं। डेबिट लिखोगे रियलाइजेशन नाम से और 12,000 रुपीज तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो देखो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, मतलब अब हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर लिया है। रियलाइजेशन को क्लोज करने के बाद अब पार्टनर को क्लोज करेंगे, और पार्टनर का जो भी बैलेंस बचेगा वो कहाँ जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ना अगर पैसे बचे भी, उनके लायक पैसे बचते भी है तो भी उनको नहीं मिलेगा, या फिर उनको पैसे लाने भी पड़ रहे हैं तो भी उनको लाने की ज़रूरत नहीं है। ना तो या तो या, इसका मतलब सिंपल है, ना तो पैसे ले जा सकते हैं ना तो पैसे ला सकते हैं। तो कहाँ जाएगा? डेफिशिएंसी में। डेफिशिएंसी में सारा ट्रांसफ़र आपको करना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, यहाँ का बैलेंस कैश या फिर बैंक में डालते थे और कैश और बैंक दोनों टैली होते थे नॉर्मल क्वेश्चन में। इसमें ऐसा नहीं करना है, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा इस स्टेप में। इस स्टेप में आपको अब यहाँ से बैलेंस डेफिशिएंसी में, और फिर देखेंगे कि हमारे पास पैसा कितना है क्रेडिटर को चुकाने के लिए। अगर पूरा पैसा होगा तो दे देंगे, पूरा पैसा दे देंगे, और अगर नहीं होगा तो उसका भी पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो चलिए पार्टनर को क्लोज करना शुरू करो, टोटल करो, पार्टनर की टोटलिंग करो और चेक करो कि वहाँ पे बैलेंस कितना आता है। जो भी बैलेंस आएगा सब आपको डेफिशिएंसी में ट्रांसफ़र करना है। तो चलो सबसे पहले किसका क्लोज करोगे आप लोग? देखो बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं आने वाला है। देखो राणे का अगर आप टोटल करते तो यहाँ का मतलब क्रेडिट साइड का आपका 13,000 आ रहा है। बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर टोटल आ रहा है। अच्छा हाँ, लोन का हमने छोड़ दिया, लोन का पॉइंट हमने अभी तक लिखा नहीं है। तो राणे लोन कितना है? 20,000, और इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। अब देखो इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हो, लोन में आप दो चीज़ें कर सकते हो। अलग से लोन अकाउंट बनाकर, अगर आप बनाते भी हो तो आपको करना क्या पड़ेगा पता है? अलग से लोन अकाउंट बनाकर आपको कैपिटल में ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, कैपिटल में ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो बनाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी हमको क्योंकि उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है और आपको कुछ एक्स्ट्रा करना भी नहीं है। तो लोन अकाउंट हमेशा क्या दिखता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। देखो मैं आपको छोटा सा ऐसा कहीं रफ बना, हाँ ये यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, शांत रहो भाई, यहाँ पे बना कर दिखा देता हूँ। और आपको यहाँ पे क्या करना है एग्जैक्टली आपको मैं बताता हूँ कि कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। इसको समझो, राणे लोन अकाउंट होगा और कितना दिया है? 20,000। तो हमेशा लाइबिलिटी जो होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, 20,000 आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पे आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन दिखेगा। अब इसको मुझे कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। क्या करना है कैपिटल में? क्यों? क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है ना, और कोई रास्ता नहीं, उसका पे थोड़ी करोगे, पैसा ही नहीं है ना भाई, पैसा ही नहीं है फॉर्म के पास, तो पे नहीं करा जाएगा उसका। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी? आर लोन अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, मतलब 20,000 लाइबिलिटी में दिख रहा था क्रेडिट साइड, डेबिट में क्या लिखोगे? आर कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी? आर लोन अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, आर क्रेडिट मतलब आर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में लिखना होगा आर लोन अकाउंट के नाम से। ये चीज़ें हैं, इसमें कोई भी लाइबिलिटी पे नहीं की जाती, इसको आप लोग मतलब समझ लो अच्छे से, कोई भी लाइबिलिटी को पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। राणे का भी लोन अकाउंट अलग से बनाओगे भी तो ये इम्पैक्ट दिखेगा, इसलिए बनाने नहीं बोला आपको मैंने, एक ही इम्पैक्ट जाएगा, इसका दूसरा इफेक्ट आपको लोन में मतलब अपना कैपिटल अकाउंट में कर देना है। तो कर दो भाई ट्रांसफ़र, क्या होगी एंट्री? कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है क्या नाम से? आर लोन अकाउंट 20,000 रुपीज, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा लोन का फैक्टर खत्म। अब क्या करेंगे? अब आपको क्या करना है?
अब आपको अब क्लोज करना है, अब कुछ पॉइंट तो पेंडिंग नहीं है, अब सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लोन का फैक्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, अब टोटल कर सकते हो। राणे का टोटल सबसे पहले करो, 33 है ना, 33,000 आता है, 33 में से 12,000 माइनस किया, ठीक है, तो 21 बैलेंस बचता है, 21 हमारा डेफिशिएंसी में जाएगा, 21 जो भी बैलेंस बचे सब डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करोगे, सब डेफिशिएंसी में ट्रांसफर होगा। अब देखो के का इस साइड बढ़ा है, के का डेबिट साइड बढ़ा है, तो यहां पे 12,000 है, 12,000 में से 6,000 माइनस किया तो 6,000 बचेगा, ये भी कहां जाएगा, डेफिशिएंसी में, मतलब चाहे डेबिट बैलेंस बचे चाहे क्रेडिट बैलेंस बचे सब आपको डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करना है, सारे अमाउंट डेफिशिएंसी में ट्रांसफर होंगे। देखो यहां बैलेंस आया ये भी डेफिशिएंसी में कर दिया, यहां बैलेंस आया ये भी डेफिशिएंसी में, अब माने का बचा है, माने का टोटल वहां का बढ़ा रहा है, वहां का बढ़ा रहा है कि नहीं, कितना आ रहा है, 32, तो 32 टोटल आया, और इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी आप ट्रांसफर करोगे कहाँ, यहाँ पे, यहीं पे लिख दो, डेफिशिएंसी लिखा है तो यहाँ पे भी आप लोग लिख दोगे 32,000। तो भाई अब पूरा अकाउंट टोटल टैली कर लो, पूरे अकाउंट देखो बैलेंस हो चुके हैं, और जो भी बैलेंस बचता है सब आपको डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करना है, इसका हमेशा याद रखना। जब सारे पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो तो कोई पार्टनर को पैसा ले जाने नहीं मिलता, ना तो लाने मिलता है, क्योंकि ला तो वैसे भी नहीं सकते, इंस्टॉलमेंट हो गए तो कहाँ से लाएंगे, उनके सभी वैसे भी बिक चुके हैं सारे प्रॉपर्टीज एंड ऑल। तो अब आपको डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करना है। एंट्री देखो क्या हो रही है, जैसे राणे का बैलेंस यहां आया था, तो राणे अकाउंट डेफिशिएंसी, मतलब राणे अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट क्रेडिट, तो डेफिशिएंसी में राणे के नाम से क्रेडिट करोगे, यहां पे आ जाएगा बाय राणे कैपिटल, कितना 21,000, और ये जो था ये दोनों क्या एंट्री क्या बन रही है, डेफिशिएंसी टू कैपिटल, डेफिशिएंसी अकाउंट को डेबिट करो कैपिटल को क्रेडिट करो, इसका मतलब कैपिटल को क्रेडिट हो चुका है, डेफिशिएंसी को डेबिट करना बचा है, काले और माने, ठीक है, 6,000 रुपीज और 32,000 रुपीज, तो डेफिशिएंसी में देखो बैलेंस आ चुका है। अब क्या करेंगे, यहां तक हो गया सबका, लिखते चलो साथ साथ में, फटाफट लिखते चलो, तो यहां तक कंप्लीट करो फटाफट फास्ट। यहां तक हो जाने के बाद फिर हम कैश को देखते हैं कि कितना बैलेंस आपके पास बचा है और लायबिलिटी कितनी चुकानी बची है। अगर आपके पास भरपूर पैसा होगा तो दे देंगे पूरा, नहीं होगा तो जितना होगा उतना पूरा पे करना पड़ेगा, उतना पूरा पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कैश का अगर आप बैलेंस करते हैं तो 64 और प्लस 69 टोटल पैसे अवेलेबल हैं, उसमें से 6,000 और माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 6,000 आपका एक्सपेंस ऑलरेडी जा चुका है, तो 69 में से, हाँ 69 ना, हाँ 69 में से 6,000 माइनस हुआ कितने बचे, तो जितना भी बचेगा वो सब इसको देना पड़ेगा क्योंकि और कोई अभी कोई और लायबिलिटी पेंडिंग नहीं है। अगर दो होता तो जैसे कल बताया था ना रेशियो में बांटना, तब दो होते तो रेशियो में बांटते, यहां पे तो फिलहाल एक ही है, अब जब एक ही होगा तो उसको पूरा पैसा हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अब कैश अकाउंट को क्लोज करना है। तो चलिए टोटल करो, 69 टोटल आया था, 69 में से 6,000 माइनस किया, 69 में से 6,000 माइनस कर दो, तो आपके पास जो भी बैलेंस बचेगा उसको आपको कहां ट्रांसफर करना है, क्रेडिटर्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो चलो भाई 63 बच रहा है आपके पास, तो भाई 63 क्रेडिटर को पूरा पैसा दे देंगे, एक ही लायबिलिटी वाला पॉइंट है तो आपको जरा से भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या होगी एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट बोल रहा हूं मैं, तो क्रेडिटर को डेबिट करो क्या नाम से, कैश नाम से, कितना 63,000। और अब इसका जो भी पैसा बचता है वो हम देंगे क्या, नहीं देंगे, देने के लिए पैसा बचा ही कहां है, पैसा ही नहीं है हमारे पास, सिर्फ 63 बचा था इसको दे दिया, जितना पूरा पैसा बचा था उस सबको दे दिया। अब कुछ पैसा जो इसमें पेंडिंग है जो क्रेडिटर को हम दे नहीं पा रहे कहां जाएगा, डेफिशिएंसी में जाएगा। तो 80 में से 63 माइनस करो, 80 में से 63 तो 17 आ रहा है ना, 17 पक्का, तो ये जो 17 है ये कहां जाएगा, डेफिशिएंसी में जाएगा। ये जो 17,000 आया इसको भी डेफिशिएंसी में जाएगा, मतलब पार्टनर का बैलेंस बचा डेफिशिएंसी में, लायबिलिटी का बैलेंस बचा डेफिशिएंसी में, सब कुछ डेफिशिएंसी में ट्रांसफर कर दो, ये चीजें होती है इसमें। मतलब जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो क्या होगी एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट क्रेडिट, तो डेफिशिएंसी को क्रेडिट कर दो क्या नाम से,
क्रेडिटर के नाम से, कितना 17,000। और अब चेक करो क्या आपका दोनों साइड टैली होता है क्या। अब डेफिशिएंसी दोनों तरफ टोटल बैलेंस मैच होना चाहिए, अगर है तो आपका आंसर सही है, नहीं है तो गड़बड़ है। तो ये चीज़ें हो जाती है, मतलब लास्ट में आपको ये दोनों अकाउंट टैली होना चाहिए। 38 आ रहा है, 38 आ रहा है क्या, चेक करो, आ रहा है, मतलब दोनों साइड आपका बैलेंस मैच है। 38 मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे इसमें यहाँ पे नीचे जगह नहीं दिखेगी, 38 मैंने ऊपर लिख दिया। चलो 38,000 से दोनों साइड आपकी मैच हो रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना पड़ता है। अब इसमें देखो फर्क क्या है, इसमें सिर्फ एक ही लायबिलिटी थी, एक ही लायबिलिटी होने के वजह से जितना पैसा बचा उसको दे दिया। अगर दो लायबिलिटी होती, बाय चांस अगर दो लायबिलिटी होती तो हम क्या करते, रेशियो निकालते और उस रेशियो में ये जो 63 बचा है ना, 63 उसको डिवाइड करके दोनों को बांट देते। फॉर एग्जांपल बिल पेबल होता, बैंक लोन होता, पार्टनर लोन छोड़कर, हाँ पार्टनर लोन को नहीं कभी भी लेना, कंसिडर नहीं करना, बिल पेबल होता, बैंक लोन होता, अलग से कोई लोन होता, तो हम क्या करते इस 63 को उसके रेशियो में बांटते और दोनों को जितने जितने रेशियो के पैसे आते उसको दे देते, और जो बैलेंस बचता कहाँ जाता, डेफिशिएंसी में, डेफिशिएंसी में, और डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली टैली होनी चाहिए। समझ में आया, तो आपका सब फिर वर्किंग प्रॉपरली हो जाएगा। तो ये था पूरा क्वेश्चन हमारा आज का। अब इसमें जो भी डाउट हो आप लोग फटाफट पूछ सकते हो। अब डाउट का बात वहाँ पे करते हैं, फटाफट ये देखो, जिसका नहीं हुआ लिख लो और इमेजेस मैं सेंड करूँगा। ऑफकोर्स टेंशन मत लो, जो चीज़ें आपको नई नज़र आ रही होगी चीज़ों को समझ लो, कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। अगर आपको वो समझ आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जो चीज़ नहीं समझ आई होगी तो ऑफकोर्स मुझे अभी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो